हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि टर्म टू में जो हमारा सिलेबस है वो जो यूनिट्स जिन यूनिट से दिया जाएगा उसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इससे रिलेटेड आप देखिए, इसमें जो ज्योमेट्री से 9 मार्क्स की, अलजेब्रा से 10, ट्रिग्नोमेट्री से 7, मेंसुरेशन से 6 और स्टेटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी से 8। इस तरीके से टोटल 40 मार्क्स के यहाँ क्वेश्चन होंगे। इंटरनल असेसमेंट होगा वो 10 नंबर का होगा। टोटल 50 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। तो हम यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, जो यूनिट है, वो है ज्योमेट्री। अलजेब्रा भी साथ में लेते हुए चलेंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले ज्योमेट्री को पुट करने का जो यहाँ पे निर्णय लिया कि सबसे पहले हम ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ जो है यहाँ पे क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको मालूम होने चाहिए कुछ टिपिकल वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे थ्योरम होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी जरूरी होती है। बिना आप उसकी जानकारी के कुछ प्रूफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्योमेट्री में ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो थ्योरम बेस्ड होंगे। तो थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो फिगर्स होता है, जो आप यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिखा रहा हूँ, दो ट्राइंगल इस फिगर्स में है। और अगर मैं कहूँ कि आपको इस पे दो जो थ्योरम्स आपके बुक्स में डिफाइन किए गए हैं, कि आप इसमें कोई किस प्रकार का थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये किस टाइप के ट्रायंगल्स हैं। एक्चुअली जब तक हमें बेसिक का नॉलेज नहीं होगा, जब तक हम छोटे छोटे वर्ड्स को नहीं समझ पाएंगे, जैसे मैंने कॉन्ग्रुएंट शब्द का इस्तेमाल किया या ऑब्ट्यूज का इस्तेमाल किया, राइट का इस्तेमाल किया, तो उन शब्दों की क्या मीनिंग है और कैसे उसका इस्तेमाल हम अपने मैथमेटिक्स में करते हैं, थ्योरम आप नहीं समझ पाओगे जब तक आपको बेसिक नहीं समझ में आएगा। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको मैं सबसे पहले यहाँ पे कवर करूंगा, उसके बाद मैं थ्योरम को जो है यहाँ पे पढ़ाऊ बताऊंगा कैसे आप थ्योरम से जैसे प्रूफ कर सकते हैं कोई थ्योरी है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे हम डायरेक्टली पहले द्वारा प्रूफ किए गए थ्योरम के आधार पर हम चीजों को प्रूफ करते हैं। कुछ जो है किसी का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं कि अगर सपोज करो कि हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं और हमारे पास ट्रायंगल में, ये आपको पता है कि 3 साइड्स होते हैं, और कभी भी आप देखिएगा जो तीसरी साइड है और जो बाकी के 2 साइड हैं उनका योग करके आप उससे छोटी और बड़ी लाइनें खींच कर देखिएगा ट्राइंगल क्या बन पाता है या नहीं बन पाता है। कुछ चीजें होती हैं जो हमें लॉजिकल बेस्ड पर या प्रैक्टिकल करके हम उसे फाइंड आउट करते हैं कि आखिर ये क्या, कैसे जो है हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। उस आधार पर फिर हम अपने कुछ लॉजिक लगाते हैं और थ्योरम को सिद्ध करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का यहाँ पे इस्तेमाल ज्यादा होगा। ट्राइंगल्स जो सबसे पहला चैप्टर है ज्योमेट्री का, उसको मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा, उनके सारे थ्योरम को एक्सप्लेन करूंगा वन बाई वन। तो आपको अगर ये थ्योरम समझना है तो सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए ये ट्रायंगल होता क्या है और कितने प्रकार का ट्रायंगल है और ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं अपने जो है नेक्स्ट वीडियोस में ट्रायंगल के बारे में डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, उसके बाद एक एक थ्योरम को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये मेरा इंट्रोडक्टिव वीडियो है और आशा करता हूँ कि आप मुझसे जुड़े रहेंगे। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं उसे और अधिक अच्छे से एक्सप्लेन करके आपके समक्ष रखूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। अगर वीडियो को ध्यान से देखिए और उसे समझिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार का आपको डाउट हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप क्वेरी जरूर करिएगा,
इंस्टेंट कि आप जो है उस वीडियो को एस्केप कर दें। एस्केप करने की जरूरत नहीं है, बहुत से तरीके हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को क्लियर करने के लिए, बस आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। क्वेरी आप करते रहिए और मैं उसका एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा। तो अभी मैं इस वीडियो को, इस इंट्रोडक्टिव वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपका ट्रायंगल पे, ट्रायंगल क्या होता है, कितने प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करने के पश्चात सबसे पहला चैप्टर ट्रायंगल, जिसमें दिए गए थ्योरम को मैं यहाँ पर प्रूव करके आपको दिखाऊंगा और उसके एक्सरसाइज को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। आशा करता हूँ आपसे जो आप मुझसे जुड़कर लाभ हासिल कर सकेंगे। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।